Hello friends, good morning, welcome back to my channel. आप सब कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे. आज मैं आपसे शेयर करूँगी एक ऐसी प्लांट के बारे में, वो पौधा औषधि गुणों से भरपूर होने के साथ साथ अपनी धार्मिक महत्व काफ़ी अधिक रखता है. उस पौधे को हम और आप तुलसी के नाम से जानते हैं. शिवलिंग और गणेश जी के पूजन में वर्जित हैं तुलसी के पत्ते. परंतु क्यों, आप जानते हैं? यूं तो पूजन में तुलसी का विशेष महत्व है, पर शिव जी के पूजन में और गणेश जी के पूजन में तुलसी जी का प्रयोग वर्जित है, यानी तुलसी का पत्ते नहीं चढ़ाया जाता शिव जी की पूजा में और गणेश जी की पूजा में. इसके लिए पुराणों में दो कथा बताई गई है. एक कथा के अनुसार भगवान शिव ने तुलसी के पति दैत्यों के राजा शंखचूड़ का वध किया था, जिसके फलस्वरूप ना तो शिव पूजन में तुलसी काम में लेते हैं और ना ही शंख से शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं. गणेश जी के पूजन में तुलसी के पत्तों को वर्जित किया गया है. जबकि एक अन्य कथा के अनुसार एक बार गणेश जी ने तुलसी का विवाह प्रस्ताव एक आकर अस्वीकार कर दिया कि वह ब्रह्मचारी है, जिससे रुष्ट होकर तुलसी ने उन्हें दो विवाह का श्राप दे दिया. प्रतिक्रिया स्वरूप गणेश जी ने तुलसी जी को एक राक्षस से विवाह का श्राप दे दिया. इसलिए गणेश पूजन में भी तुलसी का प्रयोग वर्जित है. तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु जी को अर्पित किया जाता है. हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को एक तरह से लक्ष्मी का रूप माना गया है. भगवान शिव को बेल का वृक्ष अत्यंत प्रिय है. तुलसी के पत्तों को कौन सा दिन नहीं तोड़ना चाहिए? एकादशी, अमावस्या, रविवार, द्वादश तिथि, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सप्तमी तिथि और रात में. सूर्य निकलने से लेकर सूर्य ढलने से पहले तुलसी को तोड़ सकते हैं, क्योंकि इस समय तुलसी के औषधि गुण ज़्यादा एक्टिव होते हैं. तुलसी के पत्तों को कभी भी चबाकर ना खाएं, निगलकर ग्रहण करें, क्योंकि उसमें पारा धातु के तत्व होते हैं. तुलसी और बेसिल एक ही खानदान से बिलोंग करती है. तुलसी कई प्रकार के होते हैं और बेसिल भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं. मेरे पास ये है राम तुलसी का प्लांट. इसके पत्ते बहुत चौड़े और बड़े बड़े होते हैं. और एक तुलसी होते हैं चंदन तुलसी. चंदन तुलसी का खुशबू बिल्कुल चंदन की तरह ही होते हैं. मेरे पास राम तुलसी के बगल में है श्याम तुलसी, जिसे कृष्ण तुलसी या कृष्ण तुलसी भी कहते हैं. और भी कई प्रकार के तुलसी होते हैं, जैसे लेमन तुलसी या लेमन बेसिल भी बोलते हैं, जिसका खुशबू लेमन की तरह ही होते हैं. नॉर्मली हम सब दो प्रकार के तुलसी को जानते हैं, सफेद तुलसी और काली तुलसी. सफ़ेद यानी श्वेत तुलसी, काली तुलसी यानी कृष्ण तुलसी या कृष्ण तुलसी भी कहते हैं. और आज मैं आपसे शेयर करूंगी तुलसी टी यानी तुलसी की चाय. तुलसी की चाय पीना तुलसी के पत्तों से है ज़्यादा फायदेमंद. तुलसी के कुछ पत्ते लिए हैं और लिए हैं अदरक. एक छोटा टुकड़ा अदरक के लिए है. अदरक के छिलका छील लेते हैं. टुडे इट्स अ लेजी डे. आज कुछ काम करने की मन ही नहीं कर रही है, क्योंकि बाहर बारिश हो रहा है. मन कर रही है चुपचाप बैठकर बारिश देखती रहूं. बिकॉज आई एम ए नेचर लवर और प्रकृति को देखना मुझे बहुत पसंद है. दो कप पानी लिए हैं. गैस की फ्लेम को ऑन करके टी पैन को चढ़ा दिए हैं. पानी को बॉयल होने के लिए छोड़ दिए हैं.
अब मैंने लिए हैं कुछ काली मिर्च के दाने। अब इन दानों को क्रश कर लेते हैं। क्रश किए हुए काली मिर्च डाल दिए हैं। अब इन्हें बॉयल होने देते हैं। अब अदरक के पीसेस को लिए हैं, इन्हें धो लेते हैं। अदरक को भी क्रश कर लेते हैं। क्रश किए हुए अदरक डाल दिए हैं। अब लिए हैं तुलसी के पत्तों को। तुलसी के पत्तों को अच्छे से धो लेते हैं। अच्छे से धोकर डाल दिए हैं। बॉयल होने के लिए छोड़ देते हैं 5 मिनट्स के लिए। अब इन्हें उबलने देते हैं। बुलबुल तूफान के वजह से सुबह से बारिश हो रहा है। After 5 minutes, अब मैंने लिए हैं 1 teaspoon हनी। वन टी स्पून हनी दे दिए हैं। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और 2 मिनट के लिए उबलने देंगे। तुलसी टी बनकर तैयार है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिए हैं। लिक देकर छोड़ देंगे और 2 मिनट के लिए। दो मिनट हो गए हैं। अब तैयार किया हुआ तुलसी की चाय को छान लेते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा ना इस चाय को बनाना कितना आसान है। जरूर ट्राई करना। ये चाय हेल्दी होने के साथ साथ गर्मी भी करती है। विंटर सीजन आने वाले हैं। पूरी विंटर सीजन में ये चाय बनाकर पिए, आपको ठंड नहीं लगेगी क्योंकि ये चाय गर्मी करती है। तुलसी की चाय दिन में एक बार ही पिए।
तो फ्रेंड्स, मेरी बनाई हुई तुलसी की चाय आपको कैसी लगी? अगर आपने कभी भी ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर ट्राई करना। अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करना। और हाँ, पसंद नहीं आए हैं तो डिसलाइक करना। आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन आफ्टर सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।